महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। और अब भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, आपको हमेशा आनंद में रखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लौंग के इस उपाय से बहुत सारी घर की नकारात्मकता को ख़त्म कर सकते हैं। लौंग के इस उपाय से बड़े बड़े काम अपने कर सकते हैं और लौंग के इस उपाय से कई सारे पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे जीवन में नहीं हो रही हैं उनको पॉजिटिव आप कर सकते हैं। तो आज हम लौंग के कुछ उपायों पे बात करेंगे। ये उपाय बहुत कारगर हैं, कई सारे जातकों ने इन्हें किया है, उन्हें फ़ायदा मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इसे करें, आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्या है ये उपाय लौंग का, आपको ये जानना के लिए इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, जो भी आपका मन हो ज़रूर लिखें, ईश्वर का नाम ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि हमें लौंग का कौन सा उपाय करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक तांबे के लोटे को रात भर भर लें, मतलब रात में तांबे के लोटे को भर लें और उसमें लौंग आप डाल लें और उस लौंग डले हुए तांबे के लोटे में जो जल है उस जल को ग्रहण करना शुरू कर दें। दूसरा है कि आप शिव जी को रोज जब जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो शिव जी को रोज लौंग चढ़ाना शुरू कर दें। ये दोनों उपाय से दोस्तों, मुख्यतः पहले तो जो जल आप अगर तांबे के लोटे में जल भरेंगे और उसमें लौंग डालकर अगर पियेंगे सुबह उठकर, तो उससे आपका स्वास्थ्य जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के लिए पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरा है कि आपका जो सकारात्मक दायरा है, आपका जो माइंड जो सकारात्मक वे में ज़्यादा जाएगा, तो सकारात्मकता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, शिव जी को जैसे आप लौंग चढ़ाएंगे तो आपके रुके हुए काम जो है वो बनना शुरू कर देंगे। तो शिव जी को लौंग चढ़ाएं, 5, 7, 1, 2 जितना आपकी इच्छा हो, मतलब इसमें कोई काउंट नहीं कर सकता, पर लौंग जरूर चढ़ाएं। तीसरा है कि बहुत सारे जातक अपने सिरहाने पर लौंग रखकर सोते हैं, मतलब किसी भी पूड़िया में लौंग बांध ले और अपने सिर के नीचे लौंग रखकर सोते हैं, तो उससे भी कई सारी चीज़ें पॉजिटिव में जाती हैं, तो आप लौंग रखकर सिरहाने के नीचे सो सकते हैं। चौथा लौंग का उपाय एक है कि आप लौंग दान करें, जहाँ भी हो वहाँ पर लौंग अगर दान होने जैसी संभावना है वहाँ दान करें, क्योंकि लौंग ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया जा सकता, वो एक दो मात्रा में ही खाया जा सकता है, इसलिए कई बार पकवान बनते हैं, कहीं खिचड़ी बनते हैं, वहाँ पर आप लौंग दान कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर जहाँ 50 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम लौंग दान हो, ऐसी जगह पर दान करें। तो अगर अच्छा लगा लाइक करें।